देखिए अब हम लोग देखेंगे जैसे पावर चार देख लिए हैं, अभी पावर कितना आ गया, साइन कॉस का पावर कितना आ गया, तीन आया, ठीक है। ए था और बी था वहां पे, इधर एक सी था, नहीं अभी फॉर्मेट क्या रहेगा, स्टॉप कीजिए जी पेन, वो फॉर्मेट यहाँ क्या रहेगा आपका, तो एक्स है, एक जगह एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक साइन क्यू थीटा रहेगा, वाई कॉस क्यू थीटा, अब बराबर क्या रहेगा, सी साइन थीटा कॉस थीटा। एग्जाम में आपको देखते ही नहीं पता चल जाएगा कि इस मेथड से बनेगा, इसका बेसिक भी तो बता ही दे रहे ना, और क्या कंडीशन दिया हुआ है, एक्स साइन थीटा बराबर क्या है, वाई कॉस थीटा, तो आपसे क्या मांग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, नहीं यहाँ भी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स साइन क्यू थीटा है प्लस वाई कॉस क्यू थीटा बराबर कितना है, टू साइन थीटा कॉस थीटा है, एक्स साइन थीटा बराबर क्या है, वाई कॉस थीटा, और क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें भी क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फॉर्मेट सब सेम है कि नहीं, तो देखिए एक लाइन में अगर इसको देखिएगा तो पेन चलाने का जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में आ गया तब देख के मार सकते हैं, अगर बेसिक मेथड से जाइएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है कि नहीं, तो दोनों मेथड अभी बता दे रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जो एक्स और वाई तो यहाँ है तो यहाँ है, तो इसको स्क्वायर लेना चाहिए है, तो हमको इसमें एक अननोन क्या दिख रहा है, एक्स वाई तो यहाँ भी है, अननोन क्या है, क्या है यहाँ पे, सी है, तो उसको क्या कर देंगे, सीधे स्क्वायर कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आंसर कितना हो जाएगा आपका, आए नहीं आपका अभी प्रूफ कर देंगे आप, देख लीजिए ना, समझ गए ना, अच्छा हो जाएगा कि नहीं प्रूफ होगा, ठीक है। अब देखिए एक्स साइन क्यू थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा है, और सी का वैल्यू कितना है आपका, दो है, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, चार, नहीं देखने में बहुत बड़ा था लेकिन आपका आंसर क्या आ पा रहा है, समझ गए, फिर आपका यहाँ पे देखिए अपना पेन चलाने की जरूरत है, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, चार हो गया, और यहाँ देखिए कितना है जी आपका, तीन है, तो तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, नौ हो गया कि नहीं, फिर ये कितना है, चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सोलह। अब देखिए एक मिनट रुकिए, अब ध्यान से अभ्यास समझ लीजिए कैसे ये वैल्यू होता है, मेरा क्वेश्चन तो यही था, ठीक है, ये पता है सी स्क्वायर है, तो हम मेरा ये तो डाटा नहीं दिया हुआ है, तो हमको सॉल्व करके निकालना है, नहीं तो हम देखते हैं कि क्या मेरा सॉल्व करने से सी स्क्वायर आता है कि नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये मेरा डाटा है और ये डाटा है, इसी से रिलेट करके ना हमको निकालना है, क्या यही दोनों डाटा दिया है ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या है सेकंड है, इसी दोनों को ना रिलेट करके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो इसी को रिलेट करते हैं, तो क्या करेंगे, एक साइन थीटा का वैल्यू हम लोग अंदर रख सकते हैं, तो कहिएगा सर साइन थीटा कहाँ है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ बोर्ड पे देखिए एक्स साइन थीटा इनटू हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए यहाँ पे पावर कितना था, पावर तीन था, तो हम लोग क्या कर दिए, पावर तीन था तो दो यहाँ लिख दिए और एक लिख दिए, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन क्या हो जाता है, एक्स के पावर एम प्लस एन, सही है, लिख सकते हैं ना माही, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका y, और ये क्या हो गया आपका y cos कितना q थीटा, इधर कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, क्या है आपका c sin थीटा into cos थीटा, यानी c sin थीटा और क्या हो गया cos थीटा हो गया कि नहीं, ठीक है, स्टार्ट किए हैं कि नहीं, देखिए तो स्टार्ट है ना, अब यहाँ से देखिए आपका, तो यहाँ से आपका x sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं, x sin थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए x sin थीटा का वैल्यू कितना है, तो कितना हो जाएगा y cos थीटा और क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस कितना हो जाएगा जी y cos q थीटा और यहां पे क्या हो जाएगा c sin थीटा और क्या हो जाएगा cos थीटा, अब ये दोनों में कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है, इसमें कॉमन जा रहा है y cos थीटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से बोलिए,
ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर प्लस कितना कॉस स्क्वायर, इधर क्या लिख दिया आपका सी साइन थीटा और क्या हो गया जी कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना तो कितना हो जाएगा वाई कॉस थीटा बराबर कितना हो गया जी सी साइन थीटा और क्या हो गया यहाँ से साइन सॉरी क्या कटेगा जी तो क्या कट जाएगा यहाँ से कॉस पर कॉस से कहानी क्या बचा वाई बराबर सी साइन थीटा, ये मेरा किसका वैल्यू निकला। अब अगला वाली किसका एक्स का निकालेंगे ठीक है, तो मेरा इक्वेशन तो यही दिया हुआ है जब x sin थीटा बराबर y cos थीटा पुट किए तो y का वैल्यू निकल गया। अब अगला क्या पुट करेंगे y cos थीटा बराबर क्या पुट करना है तो किसका वैल्यू निकलेगा, तो देखिए यहां से ये रहने देते हैं आपका x क्या है sin q थीटा, देखिए सुनिए यहां से x sin थीटा = y cos थीटा, देखिए ये मेरा क्या है y cos q थीटा है ना डायरेक्ट के लिए तो यहाँ पे है नहीं x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा है ना, तो y cos y की जगह पर c sin थीटा डाल देगा c थीटा sin थीटा sin थीटा यहाँ पे नीचे। अच्छा ठीक है देख लेते हैं, देखिए ये कितना है आपका प्लस कितना हो जाएगा आपका y cos थीटा y कितना हो गया आपका cos थीटा, तो y cos थीटा और यहाँ पे क्या बना सकते हैं cos square थीटा अब और क्या हो जाएगा c sin थीटा और क्या हो जाएगा cos थीटा, इसका वैल्यू कितना पुट कर देना है इसका वैल्यू x sin थीटा पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से x sin q थीटा प्लस कितना पुट करना है y cos थीटा बराबर x sin थीटा और क्या हो जाएगा cos square थीटा, क्या कॉमन जा रहा है x sin थीटा कितना हो जाएगा भूल गए sin square थीटा प्लस cos square थीटा बराबर कितना c sin थीटा और क्या हो जाएगा cos थीटा हो गया कि नहीं, इसका वैल्यू कितना और sin से sin भी क्या हो गया x बराबर क्या हो गया c cos थीटा हो गया कि नहीं सेकंड आ गया। अब हमको क्या करना है x square और y square निकालना है नहीं, तो हमको निकालना है x square प्लस क्या निकालना है y square, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है x का वैल्यू कितना है दिया हुआ c cos थीटा, तो कितना हो जाएगा c cos थीटा का होल स्क्वायर और y का वैल्यू कितना है c sin थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहां से कितना आएगा आपका c स्क्वायर कॉमन जाएगा तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं और इसका वैल्यू कितना होता है तो c स्क्वायर आ गया कि नहीं, तो इतना बना पाइएगा नहीं सर, ये तो शॉर्ट हो जाता कितना समझ गए, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे आपका हम लोग डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पेन चलाने की जरूरत है नहीं सर, डायरेक्ट क्या कीजिएगा c का वैल्यू देखना है और उसको मन में स्क्वायर करना है, यहाँ जरूरी नहीं है कि आपका चार दू रहेगा, अब यहाँ पे दे देगा 41 जब एग्जाम में जाइएगा तो आपको क्या लगता है दो तीन देगा यहाँ पे आपको 41 देगा या 111 भी दे सकता है समझ गया ना, यानी ऐसा देगा जो आप स्क्वायर गुना करना पड़े अगर याद रहेगा तो ऐसे मार दीजिएगा समझ गए, यानी आपका क्या रहेगा थोड़ा सा आपका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन थोड़ा टफ कर देता है, बात समझ में आई तो लिख लीजिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे।